नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीवी न्यूज। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरिया कंस तहसील स्थित अमोना गांव में शनिवार को आग लगने के कारण लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग अमोना गांव के 3 गरीब परिवारों के झोपड़ियों में फैल गई, जिससे उनके घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह बगल में गुजर रहे हाईटेंशन के तार के टूटने से निकली चिंगारी बताई जा रही है। शनिवार को दोपहर के बाद अमोना गांव में हाईटेंशन वायर टूटकर गिर गया। उसके नीचे कुछ गरीब परिवारों का आशियाना था। देखते ही देखते तार टूटने से निकली चिंगारी ने उनके घर को आगोश में ले लिया और उनका घर धू धू करके जलने लगा। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग पड़ोस के 2 और घरों झोपड़ियों में फैल गई। आग लगने की वजह से घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। घर वालों के अनुसार उनके घर में लाखों का नुकसान हुआ है। उनकी पूरी जमा पूंजी जलकर खाक हो गई है। घर में अब खाने को एक दाना भी नहीं बचा है। घंटों आग बुझने के बाद मौके पर पहुंची अधिकारी ने पीड़ितों का हाल जाना और उन्हें मदद का आश्वासन दिया। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। कैसे लगी है और कितना नुकसान हुआ है? हमारे भैया मशीन जर गया, पूरा घर धान जर गया, गेहूँ जर गया और कुल चीज जर गया। बहुत हमारा नुकसान, पूरा समय कुछ नहीं बचा भैया। हमार कुल सारा हमार जर गया, वड़ना भी चौड़ा कपड़ा लता मेरा ना ही कुछ रह गया बच्चा। अरे हमारे ददई हमारा कुली जर का नक्सनवा हाँ धनवा। लाइट से आग लगी है और कुछ नहीं बचा है। कुछ नहीं बिया रहा, खाद रहा, गेहूँ रहा, धान जोन कटाए रहूँ तो कुल जर गए। जोन लड़कन का कपड़ा रहा, खटिया मचिया रजाई गथरी बिछौना कुल जर गया है। पानी पिए के नाई है, बनावे के नाई है कि क्या वहाँ एक जून बना खाई ली क्यों ना बुझाई से। गांव वाले इंजन चालू किए हैं, आग बुझान है और दमकल नहीं आया है। 2-1 घंटा हो गया फोन लगाए, जब एकदम मनाई 2 घंटा बुताई इंजन चालू कई के और दमकल नहीं आया।